नमस्कार दोस्तों, 5 अगस्त 2020 के एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। सबसे पहला आर्टिकल, लेसन्स फ्रॉम मीडिएटिंग अयोध्या। इस आर्टिकल को दोस्तों मैं डिस्कस नहीं करूंगा, मैं इसके बेसिक्स आपको बता दे रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, केस क्या है? केस यह है, नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, ये जो अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद है इसको लेके, और इसमें बोला गया कि ये विवाद जिस जमीन पे था उस जमीन को एक ट्रस्ट को दे दिया जाएगा, उस ट्रस्ट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाएगी और उस ट्रस्ट पे एक राम टेम्पल बनाया जाएगा, और जो सुन्नी बोर्ड है, जो मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है, उसको एक इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ लैंड दे दिया जाएगा कहीं पे और, ये बोला सुप्रीम कोर्ट ने। अब ये जजमेंट देने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने 3 मेंबर कमेटी बनाई थी, और उस 3 मेंबर कमेटी में एक मेंबर ये भी थे जिसने इस आर्टिकल को लिखा है। इस आर्टिकल को लिखा है श्री राम पंचू जी ने। तो चूंकि ये उस कमेटी के मेंबर थे, इनको काफी अच्छा खासा आइडिया होगा कि इस कमेटी में क्या बातचीत हुई है। इन्होंने बोला कि कमेटी ने जो भी रिकमेंडेशंस दी, कमेटी में अलग अलग पार्टीज ने आके क्या क्या बताया, कुछ हद तक सुप्रीम कोर्ट ने उसको माना और कुछ हद तक सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना, चूंकि अलग अलग पार्टीज में बहुत सारे अलग अलग डिस्प्यूट्स थे। तो यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल सी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं ऑथर, और अभी जो हुआ 2019 में उसको 1980s से कंपेयर कर रहे हैं। 1980s में भी कुछ ऐसा ही विवाद हुआ था, कुछ ऐसी बातचीत हुई थी हिंदू फेथ के रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में, मुस्लिम फेथ के रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में। तो ये सब बातें बोली गई हैं दोस्तों यहाँ पे। देखिए, अब ये एक रिलीजियस आर्टिकल है, अगर आप इस मुद्दे को थोड़ा अच्छे से समझना चाहते हैं अपने नॉलेज के लिए, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। कहीं भी इस मुद्दे को अपने धर्म से मत जोड़िएगा, कहते हैं ना थोड़ा सा सेंसेशनल मुद्दा है ये। तो एज अ सिविल सर्वेंट कभी भी इस तरीके के मुद्दों को आप अपने पर्सपेक्टिव को अफेक्ट ना करने दें, अपने पर्सपेक्टिव को हमेशा न्यूट्रल रखें। तो अभी के लिए इस आर्टिकल में जो जरूरी था वो बता दिया, इसको मैं नहीं डिस्कस करूंगा। आगे रिकिंडल कश्मीर लॉस्ट एंड रियल कनेक्ट, इस आर्टिकल को लिखा है अमिताभ मत्तू जी ने, जेएनयू के हैं ये। देखिए, यहाँ पे कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताया गया दोस्तों जो कश्मीरी होने के बावजूद भी इंडियन होने की फीलिंग को उन्होंने जिंदा करके रखा है। मतलब ऐसे कुछ लोग हैं कश्मीर में, और इस आर्टिकल में बताया गया कि ऐसे कुछ लोगों को हमें याद करना चाहिए ताकि कश्मीर को इंडियन सेंटिमेंट में भी लेके आया जा सके। अभी के लिए कश्मीर को कैसे देखा जाता है कि कश्मीरीज अपने आप को अलग मानते हैं, वो बोलते हैं हमारा अलग देश है, कुछ लोग बोलते हैं पाकिस्तान के साथ मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। और ऐसा क्यों नहीं है, इसके कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं कुछ कश्मीरियों के फॉर्म में, और वो एग्जांपल्स हम देखेंगे दोस्तों, क्योंकि ऐसे लोगों को सच में रिस्पेक्ट देनी चाहिए जिन्होंने इंडिया के प्रो स्टैंस काम किया, और ऐसे 3-4 लोगों की यहाँ पे बातचीत करी गई, इसको देखा जाएगा। फिर लैंग्वेज ऑफ यूनिटी, देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के में अंदर 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है। अभी तक ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला कैसे काम कर रहा था, इसके बारे में बातचीत करेंगे, हल्का बेसिक आपको बताऊंगा आइडिया। और जो अभी आपके तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं एदापद्दी के पलानस्वामी जी, उन्होंने 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट करने से मना कर दिया। तो कुछ बातें इससे रिलेटेड कही गई हैं इस आर्टिकल में, देखेंगे। हमारे ट्रंप जी फॉर्म में है फिर से, वो रह रहे के ऐसे स्टेप्स लेके आते रहते हैं जिससे जो उनका वोटर बेस है, जो अमेरिका के लोग हैं जिनको ये पसंद नहीं आता कि बाहर के लोग आके हमारी नौकरियां ले रहे हैं, उनके वोट को पाने के लिए इंडिया से या दूसरे देशों से H-1B वीजा लेके जो लोग US में काम करने जाते हैं उनकी एंट्री को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं मिस्टर ट्रंप। आगे आते हैं, एक आर्टिकल वॉयलेटिंग ह्यूमन राइट्स इन द वैली, कश्मीर पे आर्टिकल है ये। देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात की गई है। एक चीज समझ लीजिए आप, यहाँ पे 5 अगस्त है आज, और पिछले साल 5 अगस्त को जो कश्मीर स्टेट था उसको 2 यूनियन टेरिटरीज में तोड़ दिया गया। तो चूंकि एक साल हो गया है तो ऑब्वियसली बात है इससे रिलेटेड आर्टिकल ज्यादा छप रहे हैं। फिर एक आर्टिकल है J&K एंड लद्दाख का ईयर ऑन, इस आर्टिकल को लिखा है जी किशन रेड्डी जी ने, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है सिकंदराबाद से। इनका व्यू पॉइंट इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि ये व्यू पॉइंट सरकार का है। तो जब ये व्यू पॉइंट सरकार का है तो सरकार किस तरीके से सोच रही है इसके बारे में भी हम देखेंगे। सरकार का व्यू पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, आंसर्स में कहीं कोट भी करिएगा तो कुछ हद तक सरकार के व्यू पॉइंट को ही कोट करिएगा जो कि ऑफिशियल होते हैं। ओके, क्योंकि आप सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं तो सिविल सर्वेंट की सबसे पहली क्वालिटी क्या होनी चाहिए कि भैया गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए नियम कानूनों को नीचे इंप्लीमेंट करना है, तो उनके तरफ डिसेंशन थोड़ा कम दिखाई है। उसके आगे द मीनिंग ऑफ गांधी साइलेंस, यहाँ पे गांधी जी के रिस्पॉन्स पे बात की गई है। 1945 में जब अमेरिका ने जापान के नागासाकी और हिरोशिमा शहर पे एटॉमिक बम गिराया, उसके बाद कई महीनों तक गांधी जी ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी। तो यहाँ पे बात यह करी गई है कि गांधी जी ने स्टेटमेंट क्यों नहीं दी। ओके, तो ये सारे आर्टिकल से दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करेंगे किससे, रिकिंडल कश्मीर लॉस्ट
एंड रियल कनेक्ट। क्या बोला जा रहा है यहां पे? इंडिया की जो सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट है वो कश्मीर को देश के साथ मिलाना चाहती है और कश्मीर को देश के साथ इमोशनली मिलाना चाहती है, तो इसके लिए स्ट्रेटजीज के ऊपर बातचीत चल रही है। अगर देश को कश्मीर के साथ मिलाना या कश्मीर को पूरी तरीके से हमारे देश में असेंबल करना है तो कश्मीर के लोगों को असेंबल करना पड़ेगा, उसके लिए हमें थोड़ा पास्ट में जाना पड़ेगा। तो पास्ट में कैसे जाएंगे, कुछ इंस्टेंसेस देखेंगे। इंस्टेंसेस से पहले दोस्तों, अभी के लिए जो दो यूनियन टेरिटरीज बन गई है, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, क्या आपने कभी इस चीज को जानने की कोशिश की है कि यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इंडिया के अंदर कौन कौन से स्टेट्स के साथ बॉर्डर बनाता है? तो इस मैप में आपको दिख रहा है जम्मू एंड कश्मीर हिमाचल प्रदेश और पंजाब के साथ बॉर्डर बनाता है। इस तरीके के सवाल आ सकते हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर तो आप सबको पता होगा पाकिस्तान के साथ है, बट हिमाचल प्रदेश और पंजाब, इसमें कभी कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि ये सवाल आ सकता है, यूपीएससी इस तरीके के सवाल पूछ देता है। अब देखिए यहाँ पे शुरुआत कैसे की गई, शुरुआत की गई कुछ एग्जाम्पल्स को देखिए। 5 अगस्त 1965 को दो कश्मीरी गुर्जर्स ने पाकिस्तान के ऑपरेशन जिब्राल्टर को फेल कर दिया। पाकिस्तान का ऑपरेशन जिब्राल्टर क्या है कि भाई देखिए इंडिया के अंदर इंसर्जेंसी को प्रमोट करना, तो इन्होंने क्या किया, दो कश्मीरी गुर्जर्स, इनका नाम भी दे रखा है, डारा कासी गुलमर्ग के पास है वहां मोहम्मद दीन ने और वजीर मोहम्मद एट गुलातीन मिंडार सेक्टर, इन्होंने पाकिस्तानी जो इन्फिल्ट्रेशन होता है इसको रिपोर्ट किया अथॉरिटीज को, और ऑब्वियसली बात है अथॉरिटीज ने सही समय पर इस इन्फिल्ट्रेशन को रोका और इस इन्फिल्ट्रेशन के थ्रू पाकिस्तान एक मैसिव स्केल पे अपराइजिंग चलाना चाहता था कश्मीर में, इस अपराइजिंग को फॉइल कर दिया गया। तो कुल मिला के ये बोला गया दोस्तों कि ये जो अथॉरिटीज को खबर दी गई थी ये कश्मीरियों के द्वारा ही दी गई थी। तो कुछ हद तक ऑपरेशनल जिब्राल्टर को फेल करने में कश्मीरियों का भी हाथ था, चूंकि शुरुआत उनकी तरफ से हुई थी, वो तो बाद में पुलिस फोर्सेस ने मार मार के सबको बाहर निकाल दिया। ऐसी एक स्टोरी और है, एक स्टोरी है बारामुल्ला के मकबूल शेरवानी की, ये 1947 की स्टोरी है। जब हमारा देश आजाद हुआ तो कश्मीर पे बहस चढ़ी, जो राजा हरि सिंह थे कश्मीर के, उन्होंने बोला कि ना हम इंडिया की तरफ ना पाकिस्तान की तरफ। जैसे उन्होंने ये बोला, आप देखेंगे पाकिस्तान की आर्मी ने अटैक कर दिया और पाकिस्तान की आर्मी में बहुत हद तक ट्राइबल इन्वेडर्स थे। उनका क्या पॉइंट था कि भैया बारामुल्ला से श्रीनगर तक जाएंगे। अब चूंकि फर्स्ट अटैक पाकिस्तान की तरफ से था तो पाकिस्तान थोड़ा आगे चल रहा था, तो ये बारामुल्ला के मकबूल शेरवानी ने कुछ समय तक के लिए ये जो पाकिस्तान बैग ट्राइबल इन्वेडर्स का जो अटैक था इसको रोका, जब तक इंडियन आर्म फोर्सेस ना आ जाए इस अटैक को रोकने के लिए। बाद में मकबूल शेरवानी क्या करना चाहते हैं ये इन पाकिस्तान वाले लोगों को पता चल गया और उन्होंने उसको खूब टॉर्चर किया, उसको मार दिया, उसको क्रूसीफाई कर दिया, मतलब उसको एक बहुत बुरी मौत मारा। और मरते मरते भी ये पर्सन मकबूल शेरवानी क्या बोल गया, मुस्लिम सिख इतिहाद जिंदाबाद, यानी विक्ट्री फॉर द यूनिटी ऑफ सिख्स हिंदूज एंड मुस्लिम्स। बाद में महात्मा गांधी जी ने इस पर्सन की पर्सनली तारीफ भी करी थी। तो आप कह सकते हो कि ही वॉज बेसिकली फाइटिंग फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया, फॉर आप कह सकते हो फॉर द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो कुल मिला के कहा यह जा रहा है दोस्तों कि इस तरीके के लोगों को हमें अपने नेशनल कॉन्शियस में याद रखना है और इस तरीके के लोगों के बारे में बातचीत केवल कश्मीर में नहीं होनी चाहिए, इंडिया में होनी चाहिए। कभी भी मकबूल शेरवानी का नाम मैंने तो आज से पहले नहीं सुना दोस्तों, आज फर्स्ट टाइम मैं हिंदू के एडिटोरियल में इसका नाम सुन रहा हूँ, मोस्ट प्रोबेबली आप में से भी बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना होगा। तो इस तरीके के जो लोग हैं जिन्होंने देश के लिए काम किया है, भले ही वो कश्मीर के थे, बट इनको कभी भी पॉपुलर कल्चर में या कभी भी किसी किताब में इनका जिक्र नहीं होता। यहाँ पे ऑथर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर कश्मीरी को, कश्मीरी सेंटिमेंट को इंडिया के साथ जोड़ना है तो आपको इस तरीके के लोगों को एक कहते हैं ना कि रिकॉग्निशन देना पड़ेगा। जब तक आप इस तरीके के लोगों को रिकॉग्निशन नहीं दोगे तब तक कश्मीरी आवाम इंडिया से जुड़ नहीं पाएगी। उनको भी तो ये लगे कि हमारी क्या वैल्यू है इंडियन सिनेरियो में, हमारी क्या वैल्यू है इंडियन कल्चर में। और बिल्कुल करना भी चाहिए, अगर कोई एक ऐसा पर्सन है मकबूल शेरवानी जैसा जिसने अपनी जान दे दी कश्मीर को इंडिया का हिस्सा बनाने के लिए, तो जरूर उसकी इज्जत होनी चाहिए। अब देखिए यहां पे कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि मकबूल शेरवानी ने इंडिया के साथ जुड़ने के लिए ऐसा नहीं किया, मकबूल शेरवानी ने इसलिए किया कि कहीं पाकिस्तान कश्मीर पे कब्जा ना कर ले, इंडिया हमको बचा लेगा इसलिए इंडिया की फोर्सेज आ जाएं। तो इसमें थ्योरी बहुत सारी दी गई है, ओके, बट फिर भी ऑथर यहाँ ये बोल रहे हैं कि अगर आपको कश्मीर को इंडिया से मिलाना है तो इस तरीके के इंसिडेंट्स को आपको पॉपुलर कल्चर में डिस्प्ले करना पड़ेगा ताकि इंडिया के लोगों को पता चले कि कश्मीरीज ने एक्चुअली में क्या क्या किया। उसके बाद यहाँ पे कुछ और बातें ऐसी ऑथर ने बोली जो कि मुझे ज्यादा समझ में आई नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1955 में जब कोल्ड वॉर चल रहा था, एक तरफ अमेरिका था, यूके
और बाकी यूरोपियन कंट्रीज एक तरफ था आपका रशिया जो उस समय पे था यूएसएसआर। उस कोल्ड वॉर के दौरान दोस्तों बहुत हद तक ये जो यूएस यूके वाला ब्लॉक था ये डिमांड कर रहा था कि कश्मीर में प्लेबिसाइट करवाओ। प्लेबिसाइट मतलब कश्मीर के लोग वोट डालेंगे और बताएंगे कि उनको कौन सी कंट्री में मिलना है। उस समय पे जो सोवियत यूनियन के कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे निकिता क्रुशेव और वो और उनके साथ कुछ और लीडर्स इंडिया आए और उनको नेहरू जी ने बोला कि भाई कश्मीर में जाओ और कश्मीर में जाके आप कुछ कल्चरल फंक्शंस को देखो। तो ये लीडर्स जब कश्मीर में जाके कल्चरल फंक्शंस को देखा उन्होंने तो वो इतने खुश हो गए कि उन्होंने बोला कि नहीं भाई कश्मीर इंडिया का पार्ट है। तो कुल मिलाकर ऑथर यहाँ ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि कश्मीर में जाके कल्चरल फंक्शन देखने की वजह से उन्होंने कश्मीर को इंडिया का पार्ट रिकॉग्नाइज कर लिया। बट ऐसा नहीं है, ये कुछ ऐसे लॉजिक्स दे रखे हैं इस आर्टिकल में जो कि मुझे उतने सही लगे नहीं। हालांकि ये बात देखिए बिल्कुल सही है दोस्तों, एक समय ऐसा था जब यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज थी वो हमेशा इंडिया पे प्रेशराइज करती रहती थी कि कश्मीर में प्लेबिसाइट कराइए और उस समय पे यूएसएसआर इंडिया का साथ देता था। अब उसकी वजहें कैपिटलिस्ट वर्सेस सोशलिस्ट बोलना तो सही है बट ये बोल देना कि कल्चरल फंक्शन की वजह से उन्होंने ऐसा किया ये सही नहीं होगा। तो यहां पे कहा यह जा रहा है बस वही बात जो मैंने आपको बार बार बोली कि कश्मीरियों का जो सेक्रीफाइस है उसको रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है। दिस इज बेसिकली द क्रक्स ऑफ दिस आर्टिकल। तो यहां पे इतनी बातें जो जरूरी थी वो मैंने कर ली आपके सामने। आगे आते हैं द लैंग्वेज ऑफ यूनिटी ऑन रिडक्शन ऑफ थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला। स्टेट्स मस्ट बी अलाउड टू फॉलो देयर लैंग्वेज पॉलिसी। सबसे पहले तो आप समझिए थ्री लैंग्वेज पॉलिसी क्या होती है, बहुत आसान भाषा में आपको समझाता हूं। थ्री लैंग्वेज पॉलिसी का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे कि जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं जहां जो हिंदी बोलते हैं वहां पे बच्चे जब स्कूलों में जाएंगे तो उन बच्चों को हिंदी तो सिखाई जाएगी, इंग्लिश भी सिखाई जाएगी और एक थर्ड लैंग्वेज सिखाई जाएगी। ये बोला गया वहां पे थर्ड लैंग्वेज में कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। तो जो हमारा शेड्यूल है बताइए कौन से शेड्यूल में लैंग्वेजेस दे रखी है, वहां पे जो 22 लैंग्वेजेस हैं उन 22 लैंग्वेजेस में से कोई भी एक लैंग्वेज इस थ्री लैंग्वेज फॉर्मूले के अंदर सिखाई जा सकती है। तो कहा तो दोस्तों ये गया था कि भाई हिंदी स्पीकिंग स्टेट में हिंदी सिखाई जाएगी, इंग्लिश सिखाई जाएगी और ये जो बाकी 22 लैंग्वेजेस हैं इसमें से कोई एक लैंग्वेज सिखाई जाएगी। तो जो साउथ इंडियन लैंग्वेजेस हैं तमिल तेलुगु इन सबको सिखाया जाएगा, तो हिंदी स्पीकिंग स्टेट में जो साउथ इंडियन लैंग्वेजेस है उनका भी प्रमोशन होगा। ये बात सामने आई लेकिन ज्यादातर आप केसेस में देखोगे कि हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में एज अ थर्ड लैंग्वेज संस्कृत सिखा देते हैं और किसी तरीके से फॉर्मेलिटी को पूरा कर देते हैं थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला की फॉर्मेलिटी को। वहीं पे जो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं वहां पे थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला में क्या बोला गया कि देखिए हिंदी सिखाई जाएगी, इंग्लिश सिखाई जाएगी और साथ में उनकी रीजनल लैंग्वेज सिखाई जाएगी। तो तमिलनाडु में अगर थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला अप्लाई होता है तो वहां पे तमिल तो सिखाई जाएगी, अंग्रेजी भी सिखाई जाएगी, साथ साथ हिंदी भी सिखाई जाएगी। तो इससे क्या है, हिंदी एक लिंक लैंग्वेज की तरह पूरे देश में उभरेगी। ये बातें बोली गई। अब ना थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला का इम्प्लीमेंटेशन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में सही से हुआ क्योंकि हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स के स्कूलों ने भी क्या किया कि संस्कृत को सिखा के फॉर्मेलिटी पूरी कर दी, बहुत ज्यादा बड़े स्केल पे तेलुगु तमिल को नहीं सिखाया गया। और साउथ इंडियन स्टेट्स में बहुत सारे स्टेट्स ने तो इसको एक्सेप्ट कर लिया, जैसे कर्नाटका ने एक्सेप्ट कर लिया बट तमिलनाडु ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। तमिलनाडु ने थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला को एक्सेप्ट ही नहीं किया। तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर थे आपके अन्ना दुराई जी ने बोला कि भैया हम देखे थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला को इंडिया में इंप्लीमेंट सॉरी तमिलनाडु में इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। तमिलनाडु में आज की डेट में भी टू लैंग्वेज पॉलिसी चलती है। ओके, तो आज की डेट में भी आप देखोगे कि दूरदर्शन पे हिंदी समाचार मोस्ट प्रोबेबली प्रसारित नहीं होते हैं तमिलनाडु में। तो क्या तमिलनाडु में लोगों को हिंदी आती नहीं है? देखिए तमिलनाडु में लोगों को हिंदी आती है, यहाँ पे बता भी रखा है, आप चाहो तो अपने नोट्स में इसको इनकॉर्पोरेट करके सीख भी सकते हो। जो तीन लैंग्वेज फार्मूला है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर, अभी रिसेंटली जो थ्री लैंग्वेज फार्मूला आया है एनईपी के अंदर, एनईपी पे वीडियो बनाई है उसको देख लीजिए, उसमें तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एदप्पदी के पलनस्वामी जी ने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि भैया देखिए लैंग्वेज एक रीजनल मुद्दा है, हमारे यहाँ पे लैंग्वेज आप हम ही को डिसाइड करने दो, हमारे ऊपर हिंदी को आप इम्पोज मत करो, हमारे यहाँ जो टू लैंग्वेज पॉलिसी चल रही है उसी को चलने दीजिए। गवर्नमेंट क्या बोलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोलती है कि तमिलनाडु की सरकार तमिलनाडु के बच्चों को जब हिंदी नहीं सीखने देती है तो उनको एक अपॉर्चुनिटी लॉस्ट होती है टू लर्न हिंदी, क्योंकि यही तमिलनाडु के बच्चे जब किसी दूसरे स्टेट्स में जाके काम करेंगे किसी नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में तो इनको अगर हिंदी आती होगी तो वहां के लोगों के साथ ये ज्यादा जेल कर पाएंगे और जब इनको हिंदी नहीं आती होगी तो वो जेल नहीं कर पाएंगे। ये बात कुछ हद तक सही भी है। तो खासकर ये जो साउथ इंडियन स्टेट है तमिलनाडु का, हिंदी को ऑफिशियली इन्होंने
एंट्री देने में काफी प्रॉब्लम की। आप देखें 1985 के बाद से तो जो नवोदय विद्यालय है ना, उन्हें भी तमिलनाडु में खोलने की परमिशन नहीं दी गई, क्योंकि नवोदय विद्यालय अपने यहाँ हिंदी पढ़ाते हैं, तो ऑब्वियसली बात है नवोदय विद्यालय खुलेंगे तो ऑब्वियसली बात है हिंदी पढ़ाई जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई तमिलनाडु के स्कूलों में हिंदी पढ़ाई नहीं जा रही, बहुत सारे सीबीएसई बोर्ड के स्कूल खुले हुए हैं तमिलनाडु में जहां पे हिंदी पढ़ाई जाती है, तो सीबीएसई बोर्ड के स्कूल है। उसके बाद देखिए 102 साल पुराना दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा है जो कि चेन्नई में है, ये भी हिंदी के प्रचार प्रसार को करता है तमिलनाडु में। तो आप देखो दोस्तों, तमिलनाडु में हिंदी का प्रचार प्रसार हो रहा है, गवर्नमेंट नहीं कर रही है लेकिन इनफॉर्मली हो रहा है। आप देखियोगे आजादी से पहले हिंदी के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी जी खुद तमिलनाडु में गए थे। ओके, तो भले ही तमिलनाडु की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सीधे सीधे 3 language formula को प्रमोट नहीं कर रही है, वो 2 language formula को प्रमोट करना चाहते हैं, उसके बावजूद भी तमिलनाडु के लोग हिंदी सीख रहे हैं। मैं खुद तमिलनाडु में चेन्नई में 4 महीने रहा हूं दोस्तों, बहुत सारे लोगों को वहां नहीं आती हिंदी, बहुत सारे लोगों को हिंदी आती है, तो धीरे धीरे चीजें सुधर रही हैं। हालांकि जो तमिलनाडु की स्टेट गवर्नमेंट है उसके इस स्टैंस के चक्कर में हिंदी बहुत तेजी से वहां पे डिफ्यूज नहीं कर पा रही है, अभी भी वहां पे लोगों को हिंदी कंपैरेटिवली कम आती है। बाकी स्टेट्स के लोगों को देखोगे तो आप हिंदी ज्यादा आती है, तो आप केरला के लोगों को देख लीजिए, बच्चों को कर्नाटका में देख लीजिए, आंध्र प्रदेश में देख लीजिए, ऑलमोस्ट सबको हिंदी आती है वहां पे अब, लेकिन तमिलनाडु में नहीं आती। उसका रीजन ये है, अब मोस्ट प्रोबेबली तमिलनाडु की जो सरकार, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है तमिलनाडु में, वो 3 language formulas को जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में दिया हुआ है उसको तमिलनाडु में इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते। अब करेंगे नहीं करेंगे क्या होगा वो तो हमें समय पे ही पता चलेगा। तमिलनाडु की लोकेशन को देखें दोस्तों, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है तमिलनाडु, देख लेते हैं कौन कौन से स्टेट्स के साथ इसकी बाउंड्री बनती है। ऑब्वियसली बात बे ऑफ बंगाल के कोस्ट पे, बगल में पाक स्टेट है, पाक स्टेट तमिलनाडु को और श्रीलंका को अलग करता है। तमिलनाडु के वेस्ट में आपको केरला दिख रहा है, तमिलनाडु के नॉर्थ वेस्ट में आपको कर्नाटका दिख रहा है, और तमिलनाडु के नॉर्थ में आपको आंध्र प्रदेश दिख रहा है। एक बेसिक आइडिया रखिए कि कौन सा स्टेट कौन से दूसरे स्टेट के साथ बाउंड्री बनाता है। अगले आर्टिकल पे आते हैं, मोर ऑफ द सेम, डोनाल्ड ट्रंप इज अगेन रिजॉर्टिंग टू हेटफुल ट्रोप्स अगेंस्ट माइग्रेंट्स इमिग्रेंट्स स्टीलिंग जॉब्स। डोनाल्ड ट्रंप का एक ही मुद्दा है, हम देखिए इलेक्शन आने वाले हैं, डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा है कि भैया हम तो बाहर निकल जाएंगे, अब प्रेसिडेंट्स पैलेस व्हाइट हाउस में रहने की उनको आदत हो गई है, बाहर जाना नहीं चाहते, कौन चाहता है कि भैया हम लीडरशिप की पोस्ट से हट जाएं। तो अब प्रॉब्लम तो है, प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए, इलेक्शन को जीता कैसे जाए, तो डोनाल्ड ट्रंप ने इमिग्रेंट्स के ऊपर अटैक दागना शुरू कर दिया। लेटेस्ट अटैक में क्या किया गया, देखिए व्हाइट हाउस ने एक नोटिस जारी किया है, उसमें बोला गया कि फेडरल गवर्नमेंट यानी कि यूएसए की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट निकालती है उस कॉन्ट्रैक्ट में लोगों की हायरिंग फायरिंग होती है, तो उस हायरिंग में बाहर से भी लोग आते हैं काम करने में, तो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं फेडरल गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्स, कभी कभी जो डायरेक्टली एग्जीक्यूट होते हैं, कभी कभी इनडायरेक्टली एग्जीक्यूट होते हैं, मतलब यानी फेडरल गवर्नमेंट सीधे सीधे इन कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करती है या फिर किसी दूसरी प्राइवेट कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे देगी, गूगल को दे देगी, माइक्रोसॉफ्ट को दे देगी, और फेडरल गवर्नमेंट के बिहाफ पे गूगल माइक्रोसॉफ्ट इन कॉन्ट्रैक्ट्स को पूरा करेंगे। इन कॉन्ट्रैक्ट्स को पूरा करने के लिए, बिजनेसेस को पूरा करने के लिए स्किल्ड लेबर चाहिए। ज्यादातर स्किल्ड लेबर यूएसए में कहां से आता है, H1B वीजा के थ्रू आता है। तो अब सरकार क्या बोल रही है यूएसए की, कुल मिला के डोनाल्ड ट्रंप क्या बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स द्वारा निकाले गए जॉब अपॉर्चुनिटीज में H1B वीजा वाले लोगों को अगर नौकरी दी जा रही है तो उनकी प्रॉपर स्कैनिंग होगी, मतलब ठीक से उनको स्कैन किया जाएगा नौकरी देने से पहले। तो मतलब ये जो लेटेस्ट गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स वाला नियम निकाला है ट्रंप ने, वहां पे आउटराइट बैन नहीं किया फॉरेन वर्कर्स को, यानी कोई फेडरल गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है, फेडरल गवर्नमेंट की जॉब है, उसमें फॉरेन वर्कर्स को सीधे सीधे बैन नहीं किया गया, बट ये बोला गया है कि जब भी किसी की हायरिंग होगी उस हायरिंग से पहले फेडरल एजेंसीज उस पर्सन के क्रेडेंशियल्स को चेक करेंगी, और अगर फेडरल एजेंसीज को लगता है कि भैया उस पर्सन की क्रेडेंशियल सही नहीं है तो उसको नौकरी से मना भी किया जा सकता है। तो अब देखिए इससे नुकसान किससे होगा, इससे नुकसान होगा उन लोगों को जो H1B वीजा पे यूएसए में जाके काम करते हैं, और हर साल जितने भी H1B वीजा इश्यू होते हैं तो उसमें 60-70% H1B वीजा किसके पास जाते हैं, इंडियंस के पास जाते हैं। तो कुल मिला के गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई जॉब्स में कॉन्ट्रैक्ट्स में और जो उन कॉन्ट्रैक्ट्स में जो जॉब होती है उसमें H1B वीजा पे जो लोग जाके काम कर रहे हैं उनकी ज्यादा स्कैनिंग स्कैमिंग मतलब उनको ज्यादा स्कैन किया जाएगा, उनको ज्यादा चेक किया जाएगा फेडरल एजेंसीज के द्वारा। कुल मिला के ट्रंप यहां कर क्या रहे हैं, कुल मिला के यहां पे ट्रंप
जो उनका वोटर बेस है, जो ब्लू कॉलर वर्कर्स हैं यूएसए में, ब्लू कॉलर वर्कर्स क्या होते हैं पहले मैं कई बार बता चुका हूं, उनकी नौकरी चली गई है। लगभग 18 मिलियन पे अनएम्प्लॉयमेंट पहुंच गया है, 1,80,00,000 लोग नौकरियों से बाहर निकल गए जब से कोरोना का पैंडेमिक आया है। तो उस केस में अब वोट देंगे क्यों लोग ट्रंप को? ट्रंप से वैसे ही नाराज है लोग, लॉकडाउन को लगाने में लेट किया, उल्टी सीधी चीजें पहले से ट्रंप कर रहे हैं। तो ट्रंप को वापस पावर में आना है, पावर में आना है तो वोटर्स को वू करना है, वोटर्स को वू करने के लिए इस तरीके की चीजों को लेके आना पड़ेगा, और बहुत पहले से ट्रंप ने इसको शुरू कर दिया। अप्रैल 2020 में व्हाइट हाउस ने एक अनाउंसमेंट किया कि ग्रीन कार्ड के इश्यूएंस को बंद किया जाएगा, और फाइनली जून 2020 ने इस साल के एंड तक ग्रीन कार्ड के इश्यूएंस को बंद कर दिया। ग्रीन कार्ड क्या होता है दोस्तों? मान लीजिए आपको H1B वीजा मिला, आप कुछ साल तक यूएसए में रहे, उसके बाद आप ग्रीन कार्ड लेके यूएस के सिटीजन बन सकते हो। तो इस तरीके की जो प्रोसेस है उसको रोक रखा है। तो यूएस में इमिग्रेशन को रोक रखा है, जो H1B वीजा पे लोग जा रहे हैं यूएस में काम करने के लिए उनकी एंट्री को कुछ समय के लिए टेम्पररी ब्लॉक कर रखा है। तो कुल मिला के अमेरिका की सोसाइटी में वो लोग जो जॉबलेस हैं उनके वोट को खींचने की कोशिश कर रहे हैं मिस्टर ट्रंप यहाँ पे। वो कितना सक्सेसफुली खींच पाएंगे नहीं खींच पाएंगे ये तो समय ही बताएगा, पर नो डाउट इससे एक पोलराइजेशन का माहौल बैठता है अमेरिका में। अमेरिका जो आज की डेट में इतनी बड़ी इकोनॉमी है, उसके इतनी बड़ी इकोनॉमी को बनाने में जो फॉरेन वर्कर्स जाके अमेरिका में काम कर रहे हैं उनका बहुत बड़ा रोल रहा है, चाहे वो चाइनीज हो, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो और किसी कंट्री के हो। वायलेटिंग ह्यूमन राइट्स इन द वैली, आर्टिकल की शुरुआत में ऑथर क्या बोल रहे हैं कि देखिए 370 जो संविधान है वो अभी भी हमारे संविधान, जो आर्टिकल है वो अभी भी हमारे संविधान में दिख रहा है, बट ये इनऑपरेटिव हो गया है। तब कहा क्या जा रहा है कि भैया कश्मीर वैली में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, कश्मीर वैली में प्रॉब्लम है प्रिवेंटिव डिटेंशन की, कश्मीर वैली में प्रॉब्लम है एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन की। इन प्रॉब्लम्स को कुछ ब्रीफ पॉइंट्स में हम लोग देखते हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन के नाम पे कश्मीर में इस समय पे हाउस अरेस्ट बहुत तेजी से चल रहे हैं। जो पीडीपी पार्टी थी, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी थी कश्मीर की, जैसे 5 अगस्त को कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में तोड़ा गया, उसके बाद से इन पार्टीज के बहुत सारे लीडर्स को हाउस अरेस्ट में डाल दिया गया, कुछ लोगों को जेल में डाल दिया गया प्रिवेंटिव डिटेंशन के चलते। तब कुल मिला के बोला यह गया है कि भैया एक हाउस में अगर आप किसी को डिटेन करते हो तो कहीं पे भी क्रिमिनल, ये जो क्रिमिनल मैनुअल है उसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि हाउस अरेस्ट आप कर सकते हो, बट हाँ ये जरूर लिखा हुआ है कि एक बिल्डिंग को, एक हाउस को आप जेल में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन दोस्तों अगर आप किसी एक बिल्डिंग के और एक हाउस को टेम्पररी जेल में कन्वर्ट करते हो तो मतलब आप उस हाउस का पोजेशन ले रहे हो, अगर आप उस हाउस का पोजेशन ले रहे हो तो आपको रेंट देना चाहिए। तो ना आप उन लीडर्स के हाउसेस का रेंट दे रहे हो और आपने उन लीडर्स को उस हाउस के अंदर बंद भी कर रखा है, डिटेन भी कर रखा है, उन्हें हाउस अरेस्ट कर रखा है, तो मतलब आप डबल सब्जुगेशन कर रहे हो लोगों का, आप दो तरीके से लोगों को दबा रहे हो। कुछ इस चीज को मिजोरम के साथ कंपेयर किया गया, मिजोरम में भी जब इंसर्जेंसी चल रही थी दोस्तों तो बहुत सारे जगहों को, बहुत सारे बिल्डिंगों को आर्म्ड फोर्सेस ने अपने कंट्रोल में ले लिया था इंसर्जेंसी को रोकने के लिए। कुछ कुछ ऐसा ही कश्मीर में भी कहा जा रहा है कि कश्मीर में एक तो आपने लोगों को उनके घरों में बंद कर दिया, बाहर नहीं निकलने दे रहे हो, तो आप एक तरीके से उनके घरों को जेलों में कन्वर्ट कर रहे हो, तो आपको उनको रेंट देना चाहिए। तो ना तो आप रेंट दे रहे हो, ना आप उनको मूव करने दे रहे हो, तो आप उनकी मूवमेंट को भी ब्लॉक कर रहे हो, आप डबल जियोपार्टी कर रहे हो, उनको परेशान कर रहे हो। फिर दोस्तों प्रिवेंटिव डिटेंशन को भी यहां पे लेके आया गया है, प्रिवेंटिव डिटेंशन अंडर पब्लिक सेफ्टी एक्ट। देखिए अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन को आप समझना चाहते हैं दोस्तों, यूट्यूब पे जाके प्रिवेंटिव डिटेंशन को मेरे नाम के साथ सर्च मारिए तो 2 वीडियोस आपको मिलेंगी। पहली वाली वीडियो मैंने लगभग 3 साल पहले बनाई थी, अभी वाली जो रिसेंट वीडियो है उसको मैंने 1 महीने पहले बनाया है। ओके, तो ये जो V26 वाली वीडियो है आर्टिकल 22 एंड 23 प्रिवेंटिव डिटेंशन, इसको जाके देख लीजिए, आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। ओके, अच्छा प्रिवेंटिव डिटेंशन के अगेंस्ट भी चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, वो चेक्स एंड बैलेंसेस क्या है प्रिवेंटिव डिटेंशन के अगेंस्ट वो भी मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है। तो ये कहा जा रहा है कि भैया कश्मीर में खुले बेसिस पे प्रिवेंटिव डिटेंशन चल रहा है और उसको रोकने के लिए जो हमारी जुडिशरी है वो कुछ नहीं कर रही है। तो मतलब कुल मिला के अगर इलीगल प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है तो हमारी जुडिशरी को इन्वॉल्व होना चाहिए, बट हमारी जुडिशरी उस लेवल पे इन्वॉल्व हो नहीं रही है। उसके बाद और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स बताई जा रही है। क्या बोला जा रहा है कि देखिए भले ही एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एक फंडामेंटल राइट नहीं है, देखिए दोस्तों अब क्या कर रहा हूं मैं कि आर्टिकल में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि पूरी तरीके से जस्टिफाइड नहीं है, जो कि बहुत सारे बायस्ड स्टेटमेंट होते हैं, उन बायस्ड स्टेटमेंट्स को मैं स्किप कर रहा हूँ। पहले मैं उन बायस्ड स्टेटमेंट्स को भी डिस्कस कर रहा था, लेकिन मैं थोड़ा सा अपने
लेक्चर को और सेंसिबल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बीच में बहुत सारे ऐसा होता है कि जो हिंदू के ऑथर्स होते हैं ना, वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को कुछ इस तरीके से पोर्ट्रे करते हैं अपने आर्टिकल में, जो कि थोड़ा बायस्ड माइंडसेट दिखाता है, तो उसको हटाना जरूरी है, इसलिए मैं उस चीज को स्किप कर रहा हूं। तो आर्टिकल में एक और इंपॉर्टेंट चीज कही गई, भले ही एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एक फंडामेंटल राइट नहीं है, बट एक ह्यूमन राइट तो है। आप देखिए, पिछले एक साल में 4G कनेक्शन को वैली में काट दिया गया, केवल 2G कनेक्शन चल रहा है। तो अब यार, भले ही इस 4G कनेक्शन के बेसिस पे सोशल मीडिया पे हेट कैंपेन फैलाता है पाकिस्तान, लेकिन उसके और भी नुकसान है। बहुत सारे जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं वो अपने पेशेंट्स को नहीं देख पा रहे हैं। जो कश्मीर में रहने वाले लोग हैं वो मान लो किसी ऑनलाइन ऐप के थ्रू हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता में बैठे हुए डॉक्टर से कंसल्टेशन करवाना चाहें तो वो भी नहीं करवा पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास हाई स्पीड कनेक्शन ही नहीं है। 2G में तो क्या ही होगा, व्हाट्सएप की फोटो तो डाउनलोड होती नहीं है। तो ये बोला गया है कि भले ही राइट टू इंफॉर्मेशन एक फंडामेंटल राइट नहीं है, बट राइट टू हेल्थ एक फंडामेंटल राइट है, और राइट टू हेल्थ यहाँ पे इंटरनेट के साथ जुड़ा हुआ है, तो आप लोगों का राइट टू हेल्थ छीन रहे हो। बिजनेसमैनों का काम रुक गया है, वैली में जो ओवरऑल इकोनॉमिक माहौल था वो बैड सा गया है, थम सा गया है। तो कश्मीर के लोगों को इतने ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस में नहीं रखना चाहिए। हाँ, जो कि इंटरनेट पे मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने वाली बात है, तो हमारा जो स्टेट है, हमारा जो देश है, वो कैपेबल है इंटरनेट गवर्नेंस को। तो आप देखिए, हमारे देश ने बहुत सारी चाइल्ड पोर्नोग्राफी की वेबसाइट्स को बैन किया है। तो जिस तरीके से हम लोग ऐसी चीजें बैन कर सकते हैं, उस तरीके से हम लोग भाई पाकिस्तान के द्वारा फैलाए हुए हेट कंपेन को भी बैन कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर सकते दोस्तों। फेसबुक जैसी वेबसाइट, ट्विटर जैसी वेबसाइट ये इंडियन ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आती है। जब तक इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो ट्विटर को, फेसबुक को मैसेज लिखेगी कि हाँ भाई आप इस पोस्ट को हटा दीजिए, तब तक वो मैसेज जाने कितने लोगों के पास पहुंच चुका होगा और हेट कैंपेन फैल चुका होगा। हाँ, ये अलग बात है कि ट्विटर और फेसबुक पूरा का पूरा ब्लॉक कर दें, ये किया जा सकता है। तो ये बातें बोली गई। फिर ये बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीर वैली में जो कुछ भी हो रहा है उससे रिलेटेड कुछ ज्यादा कहा नहीं है। हाई कोर्ट ने भी प्रिवेंटिव डिटेंशन के केसेस में, जो आपका जम्मू एंड कश्मीर का हाई कोर्ट है, उसने भी प्रिवेंटिव डिटेंशन के केसेस में ज्यादा कुछ बोला नहीं है। तो कुल मिलाकर ऑथर ये भी बोल रहे हैं कि जुडिशरी शांत है, और जुडिशरी का ही काम है भाई लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। सुप्रीम कोर्ट ने भी इंटरवीन किया, बट इंटरवेंशन का कोई खास वजह हुआ नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट से जब बोला गया कि भैया, मैंने पहले अपने एडिटोरियल में डिस्कस किया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि एक कमेटी बनाइए हेडेड बाय कैबिनेट सेक्रेटरी, और कैबिनेट सेक्रेटरी इस बात पे अपना रिपोर्ट देगा कि हाँ भाई जो कश्मीर में हो रहा है वो सही है या गलत है। तो इस बात की बड़ी निंदा हुई। सुप्रीम कोर्ट से बोला गया कि सरकार ने जो स्टेप लिया है उस स्टेप को रिव्यू करने के लिए सरकार के ही एक ऑफिशियल कैबिनेट सेक्रेटरी के थ्रू आप एक कमेटी बनवा रहे हो, ये तो गलत बात है। और अब तो उस कमेटी को भी डाउनग्रेड कर दिया गया है, अब उसके हेड कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं, होम सेक्रेटरी है। तो कुल मिला के एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन को पूरी तरीके से ब्लॉक किया जा रहा है जम्मू कश्मीर में, जिसके लिए कुछ किया जाना चाहिए, ये बोला है ऑथर ने। ऑथर मदन बी लोकर जी हैं, जो कि फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, तो उनके भाई स्टेटमेंट्स की कुछ वैल्यू तो है ही, भले ही वो एंटी गवर्नमेंट स्टेटमेंट्स हो। ये जो आर्टिकल है द मीनिंग ऑफ गांधी साइलेंस, इसको थोड़ी देर में देखेंगे दोस्तों। सबसे पहले एक और आर्टिकल देख लेते हैं, जे एंड के एंड लद्दाख ईयर ऑन। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, एक मंत्री जी ने, हमारे जो प्रेजेंट रूलिंग पार्टी के मेंबर, उन्होंने इस आर्टिकल को लिखा है। तो इस आर्टिकल में वो आर्टिकल 370 के इनऑपरेटिव होने को जस्टिफाई कर रहे हैं। कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं, बस उस पॉइंट्स को देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो ये बोल रहे हैं कि आर्टिकल 35A बहुत ज्यादा अनफेयर था, बहुत ज्यादा अनजस्ट था वुमेन की तरफ। कैसे, एक एग्जांपल देता हूं। एक कश्मीरी वुमेन, अगर वो कश्मीर के बाहर किसी दूसरे स्टेट के मेन से शादी करती है, तो उस केस में उस कश्मीरी वुमेन की जो भी प्रॉपर्टीज होंगी स्टेट में, वो उसे नहीं मिलेंगी। उसके सारे हक जो थे स्टेट के अंदर, वो चले जाएंगे। तो वुमेन की तरफ बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेटरी था आर्टिकल 35 से। फिर जब देश आजाद हुआ था, तो वेस्ट पाकिस्तान से बहुत सारे रिफ्यूजीज इंडिया में आए थे, तो वो कश्मीर में आके सेटल हुए। तो चूंकि वो इंडियन सिटीजन थे, उनको कश्मीर में सेटल होने की आजादी थी, बट कश्मीरियों ने उनको वहां पर सेटल नहीं होने दिया। फिर जो दलित वाल्मीकि थे, जो कि अमृतसर और गुरदासपुर जैसी जगहों से गए थे पंजाब में, कहां पे कश्मीर में एज अ सफाई कर्मचारी काम करने 1957 में, उनको भी गवर्नमेंट जॉब्स में कंसीडर नहीं किया गया। तो वो वही काम करते रहे सफाई कर्मचारी का जिसके लिए वो गए थे। उनको किसी भी तरीके की दूसरी गवर्नमेंट जॉब, परमानेंट रेजिडेंटशिप, ये सब नहीं मिली, जो कि बिल्कुल गलत था। इतने समय से अगर वो जाके कश्मीर में रह रहे हो, तो उनको परमानेंट रेजिडेंटशिप मिलनी चाहिए, उनको गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एलिजिबल होना चाहिए, बट आर्टिकल 35 से उनको गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एलिजिबल होने से रोक देता था। कुल मिला के आर्टिकल 35 है जो कश्मीर के लोकल लोग है, बस उनको ही वरीयता दे रहा था। जो बाहर से लोग आके कश्मीर की इकोनॉमिक प्रोग्रेस में, उनकी
एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोग्रेस में रोल प्ले कर रहे थे, उनको बिल्कुल ही साइडलाइन कर रहा था। तो आर्टिकल 35A को और आर्टिकल 370 को हटाने से हुआ क्या, ये लोग जो हमेशा से कश्मीर में थे, जो कश्मीर की प्रोग्रेस में पार्टिसिपेट कर रहे थे, उनको एक रोल मिला है। और कुल मिला के उन लोगों को अभी रोल नहीं दिया गया जो हम और आप जैसे लोग कश्मीर में जाके सीधे जाके प्रॉपर्टी खरीद के रहने लगे, ये नहीं हो। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, ये स्टेट में लगते नहीं थे। हालांकि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट उनका खुद का था कश्मीरियों का, बट इंडिया वाला जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है वो वहां नहीं लगता था। फिर ये बोला गया कि सरकार ने अभी रिसेंटली क्या क्या किया है कश्मीर को आगे बढ़ने में, तो नेशनल सेफ्रॉन मिशन को चालू किया गया। उसके बाद सेफ्रॉन को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया, तो उससे होगा क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल नेशनल सेफ्रॉन मिशन के अंदर 3,500 हेक्टेयर ऑफ लैंड को सेफ्रॉन कल्टीवेशन लेके आया जाएगा, और जो सेफ्रॉन कश्मीर में उगाया जाता है उसको केवल GI टैग मिलेगा। तो इंडिया भर में कहीं पे भी सेफ्रॉन उगा के अगर आप कश्मीर का सेफ्रॉन बोल के बेचोगे तो आपको सजा हो सकती है। केवल वो सेफ्रॉन जो कश्मीर में उगाया गया केवल उसे कश्मीरी सेफ्रॉन कह के बेचा जा सकता है। करेवा सुना है ना, करेवा क्या होता है बताइए नीचे कमेंट में। उसके आगे गवर्नमेंट फार्मर्स को बहुत अलग अलग तरीके से इंसेंटिवाइज कर रही है ताकि एप्पल की प्लांटेशन को बढ़ाया जाए, फ्रूट की प्लांटेशन को बढ़ाया जाए, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट किया जा रहा है, बिजली सड़क पानी पर ध्यान दिया जा रहा है, टूरिज्म और कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए 11 एयरपोर्ट्स को जम्मू एंड कश्मीर में और 2 एयरपोर्ट्स को लद्दाख के अंदर बनाने की बातचीत चल रही है अंडर उड़ान स्कीम, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग टूरिज्म के लिए इन इलाकों में आ पाए। जब लोग टूरिज्म के लिए इन इलाकों में आएंगे तो वो यहाँ पे आके पैसा खत्म करेंगे और पैसा इनकी इकोनॉमी में इन्फ्यूज होगा। ये भी बोला जा रहा है कि भाई 2 नए एम्स और 5 मेडिकल कॉलेज विल कम अप इन J&K, आयुष्मान भारत स्कीम J&K में अप्लाई होगी। तो देश भर की जो नेशनल स्कीम्स थी बेनिफिट की वो सब जम्मू एंड कश्मीर में अप्लाई होंगी, तो सब जम्मू एंड कश्मीर में अप्लाई होंगी तो ऑब्वियसली बात है जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को फायदा होगा। अब एकदम से फायदा क्यों ढूंढ रहे हो, 21 साल तो बीता है अभी। उसके बाद देखिए यूनियन टेरिटरी बनाने से J&K और लद्दाख का जो इंटीग्रेशन है हमारी सोसाइटी के साथ वो बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, देखिए 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या बोलते हैं, ये लोकल लेवल पे इलेक्शन होने चाहिए। अब जब पहले मतलब स्टेटस जो पहले चल रहा था 5 अगस्त 2019 से पहले जो जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट था वहां पे जब भी लोकल लेवल के इलेक्शन होते थे काफी सारा वायलेंस होता था, काफी सारी धमकियां दी जाती थी। लेकिन अक्टूबर 2019 में जो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन हुए वो पीसफुल हुए, उसमें कोई वायलेंस नहीं हुआ, उसमें किसी तरीके का डर नहीं था। पहले क्या होता था कि जो सेपरेटिस्ट होते थे वो खुलेआम धमकी देते थे कि जो भी जाके वोट डालेगा उसको मार देंगे। अब इस तरीके का डर खत्म हो गया, अब सब लोग जाके खुले दिल से बिना डर के वोट डालेंगे और उनको कोई मना नहीं कर सकता, चूंकि आर्मी खड़ी रहेगी प्रोटेक्ट करने के लिए। अब आर्मी पहले भी खड़ी रहती थी लेकिन अब पूरी तरीके से गवर्नमेंट का कंट्रोल यहाँ पे आ गया है। फिर दोस्तों यहाँ पे एक आर्टिकल ये बोला गया है, गांधी जी के व्यू पॉइंट पे बात की गई है, द मीनिंग ऑफ गांधी साइलेंस। गांधी साइलेंस ऑन द 1945 बॉम्बिंग सजेस्ट हाउ ही ट्रांसफॉर्म्ड अ ट्रेजेडी इनटू स्पिरिचुअल एक्शन। क्या बोला गया दोस्तों, 1945 में जब हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिराया गया उसके कई महीनों तक गांधी जी ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया इस चीज के ऊपर। बाद में गांधी जी का स्टेटमेंट जरूर आया और गांधी जी ने बोला कि भाई हम अहिंसा के सिद्धांत से अलग नहीं हटेंगे, आई एम अ फॉलोअर ऑफ अहिंसा प्रिंसिपल। तो अगर US ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे एटॉमिक बम गिराया है तो इसके बेसिस पे मैं ये जस्टिफाई नहीं कर सकता कि जापान पलट के USA को वॉर करे, क्योंकि हम अहिंसा के सिद्धांत को मानते हैं। बट ये स्टेटमेंट गांधी जी से बहुत देर आया था, कई महीनों तक ये स्टेटमेंट नहीं आया था। और ऐसा क्यों, इस बात पे इतनी बहस क्यों है, बहस इसलिए दोस्तों क्योंकि उस समय पर 1945 में ग्लोबल लीडर्स बहुत कम थे, एक बड़े स्टेचर के ग्लोबल लीडर्स जिसकी दुनिया भर में लोग बात सुने ऐसे बहुत कम थे, और इंडिया में ऐसे एक ग्लोबल लीडर थे वो थे गांधी जी। गांधी जी बहुत समय तक शांत रहे दोस्तों इस 1945 के इंसिडेंट के बाद, बहुत बार उससे पूछा गया उन्होंने कुछ नहीं बोला। बाद में गांधी जी कि इस एक्शन को जब बहुत सारे लोगों ने डेसिफर करना शुरू किया तो गांधी जी के इस एक्शन को इस हिसाब से डेसिफर किया गया कि अगर मैं कोई स्टेटमेंट बोलूंगा तो उससे एक इंटरनेशनल व्यू पॉइंट बनेगा, उस इंटरनेशनल व्यू पॉइंट के चलते कुछ एक्शन हो सकता है। लेकिन बहुत सारे जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं जो एक बहुत डीपर थॉट रखते हैं उन्होंने गांधी जी के साइलेंस को कुछ इस तरीके से डेसिफर किया, थोड़ा समझना मुश्किल है ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने बोला कि गांधी जी का कहना यह है कि जब भी कोई गलत चीज हो जाती है अगर हम शांत रहते हैं, अगर हम कोई भी रिएक्शनरी रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, बिल्कुल चुप रहते हैं, तो हम अपने अंतर मन में ये सोच पाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है।
अगर कोई भी मुश्किल चीज हो जाए दोस्तों, कोई भी मुश्किल चीज चाहे वो कितनी भी मुश्किल है, उसके बाद कुछ मत बोलिए, एकदम शांत रहिए, बहुत समय तक एकदम शांत रहिए, आपका अंतर्मन ही आपको बता देगा कि एक्चुअली में क्या सही है क्या गलत है। गांधी जी के साइलेंस को यहाँ पे इस तरीके से जोड़ा जा रहा है, ये बोला गया है यहाँ पे इस आर्टिकल में दोस्तों। तो मतलब कुल मिला के यहाँ पे गांधी जी के सोच को समझना ही एक बहुत बड़ी बात है। और 30 जनवरी 1948 को जब गांधी जी का असैसिनेशन हुआ, उसके असैसिनेशन से कुछ घंटे पहले मार्गरेट बॉर्क करके एक इंटरव्यूअर ने जब गांधी जी का इंटरव्यू लिया, तो गांधी जी ने अहिंसा के सिद्धांत में एटॉमिक बम के लेकर क्या बोला कि देखिए एटॉमिक बम गिरा है इसका मतलब ये नहीं है कि जापान अब पलट के वॉर करे, अहिंसा के सिद्धांत को अहिंसा के सिद्धांत से काउंटर करने जाए, ये सही नहीं है। लेकिन गांधी ने बड़ी फिलोसफिकल बात कही गांधी जी ने कि जब वो पायलट ऊपर से प्लेन उड़ा के जा रहा था और बम नीचे गिरा रहा था और नीचे जापान हिरोशिमा और नागासाकी के लोग खड़े होकर देख रहे थे, उनकी वो जो आंखें थी उनके अंदर का जो दर्द है वो कभी ना कभी उस पायलट तक पहुंच जाएगा, ऐसा इस आर्टिकल में लिखा है और ऐसा गांधी जी ने उस समय पे ये बोला था। तो गांधी जी के साइलेंस के बहुत जबरदस्त मैनिफेस्टेशन हुआ करते थे, वो कम ही लोग समझ सकते हैं, सब नहीं समझ सकते। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से तो ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ एज अ ह्यूमन बीइंग हम अपने अंतर मन में कुछ चेंजेस लेके आए उसके लिए ये चीज इंपॉर्टेंट थी, तो मैंने डिस्कस कर ली। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कर दें। पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी।